ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी पकौड़ियाँ बनी हैं। चलिए जानते हैं इसकी सीक्रेट रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता शर्मा। किचन ऑफ अनीता शर्मा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की कढ़ी। कढ़ी के साथ मैं पकोड़े भी बनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे कटोरी दही लिया था, उसे मैंने अच्छे से भान लिया है। अब उसमें इस कटोरी से, एक कटोरी से थोड़ा कम बेसन डालना है। डाल के अच्छे से फेंट लेना है। अच्छी ढंग से मिला लेना है। इसमें उबलने से पहले इसमें नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। दो चम्मच हल्दी ऐड करना है। एक चम्मच गरम मसाला और ऐसे दो छोटे चम्मच से पीसी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिला लेना है। अब मैं ऑन करती हूँ। पहले तेज आंच में हमें बराबर चलाते हुए पका लेना है 5 मिनट तक। जब उबाल आने लगे तो गैस धीमा कर देना है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम कढ़ी बनाना चढ़ाते हैं तो बराबर से हमें चलाना होगा, नहीं चलाने से नीचे जल जाता है, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसीलिए 5-10 मिनट तक हमें बराबर चलाने पड़ता है। देखिए 5 मिनट में मेरी कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी और यूं पकौड़ी बनाने की ओर। अब चलिए चलते हैं पकौड़े बनाने। मैंने बेसन अच्छे से घोल लिया। इसमें हमने डाला है हल्का सा नमक, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1/2 चम्मच और लाल मिर्चा पिसा हुआ 1/2 चम्मच और इसे अच्छे से हमें घोल लेना है। देखिए कढ़ाई में हम पकौड़े तलने को तेल डालेंगे। ये देखिए बेसन तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं। ये देखिए बेसन का घोल हमें इस तरह से तैयार करना है। अब मैं एक एक करके डालती हूँ। एक एक करके पकौड़े को मैं डाल रही हूँ। पकौड़े थोड़े बड़े बड़े साइज में बनाना है। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही है। अब हमारी पकौड़ियाँ पक चुकी है, मैं इसे निकाल लेंगी। अगर आपको पकौड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे। इसी तरह सारे बेसन को हमें तल लेना है।
एक एक करके अच्छे से डाल लेना है। कढ़ी में पकौड़ी रहने से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं, ये देखिए कितनी अच्छी मुलायम बनी है। कढ़ी में इसको कढ़ी में डालने के बाद ऐसी पकौड़ियाँ गुठले नहीं पड़ते हैं ऐसे पकौड़ियों में। ये देखिए हमारी कढ़ी कितने अच्छे उबल रहा है। कढ़ी जितने पकते हैं उतने ही उसमें स्वाद आता है। ये अब हमारी कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब उबलते हुए में मैं पकौड़ियाँ डाल दूंगी। सारी पकौड़ियाँ को डाल देना है। डाल के मिला देना है। अब मैं चलती हूँ तड़का लगाने। पकौड़ी डाल के सिर्फ 2-4 मिनट आँच पे धीमे धीमे पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम लोग इसमें तड़का लगाएंगे। अब चलिए हम तड़का लगाते हैं। इसमें हम 2 चम्मच भर भर के तेल डालेंगे। और 8-10 दाने मेथी के डालना है। जब मेथी थोड़ी कड़क जाए तो 2 लाल मिर्चें और जीरा ऐड कर देना है। एक तेज पत्ता ऐड कर देना है। कढ़ी में मेन बघार में हींग जरूरी डालना पड़ता है। हमने इस चम्मच से 1 चम्मच हींग डाला है। अब इसे अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी कढ़ी बनी है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ कितनी मुलायम बनी है। ये देखिए, अगर आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।